हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी आई होप यूर आर गुड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नेम इज ट्रू फ्रेंडशिप ट्रू मीन्स बच्चे सच्ची मित्रता है ना फ्रेंडशिप क्या होती है मित्रता और ट्रू है यहाँ पर सो फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। प्रिस्ट प्रिस्ट मींस होता है होली मैन जिसको पंडित भी बोलते हैं बच्चे आर्ट मीन्स होता है भीख मांगना बैगिंग डोरमैन दरवाजे पर आना हग किसी को गले लगाते हैं एम्ब्रस मैंशन मतलब एक बिग पैलेस को भी आप बोल सकते हो उसको बोलते हैं मैंशन लेट्स बिगिन कृष्णा एंड सुदामा वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स दे हैड स्टडीड इन द सेम आश्रम विद टाइम कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका वाइल सुदामा बीकेम अ पुअर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर सुदामा वॉज वर्ट ही गोड फ्रॉम पीपल एज आर्म्स this was not sufficient to feed his children so his wife forced him to go to krishna and seek help so students ye story start hoti hai krishna and sudama jo bachpan ke dost the childhood friends theek hai aur wo ek hi same ashram mein padhte the तो धीरे धीरे क्या हुआ पढ़ लिख कर जो Krishna थे वो बन गए became the king of Dwarka, जबकि जो Sudama थे वो कैसे थे Poor priest, ठीक है अब जो सुदामा का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कैसा था बच्चे आंसर बेस था मतलब वो बैगिंग करता था ठीक है लोगों से भीख मांगता था और वो इसके लिए क्या होता था उनका जीवन यापन का साधन बनता था लेकिन वो इतना सफिशियंट नहीं होता था सफिशियंट मीन्स क्या होता बच्चे इतना निपुण चीज नहीं होती थी इतना सफिशियंट नहीं होता था कि जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर पाए सो so, उसकी जो वाइफ है उसको फोर्स करती है ठीक है उसको बोलती है कि तुम्हें कृष्णा के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ हेल्प मांगनी चाहिए आई डोंट हैव एनीथिंग टू टेक एज गिफ्ट फॉर कृष्णा हाउ कैन आई गो टू हिम एम्प्टी हैंडेड सेड सुदामा टू हिज वाइफ सो उसके बाद सुदामा क्या बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई गिफ्ट ही नहीं है कृष्णा के लिए ठीक है मैं उसको क्या दूंगा क्या मैं को ऐसे जा सकता हूं एम्प्टी हैंडेड एम्प्टी हैंडेड क्या होता है बच्चे खाली हाथ जैसे हम किसी के लिए गिफ्ट नहीं लेके जाते तो हम क्या करते हैं पिटी हैंडेड चले जाते हैं तो बोलता है इस तरह से मैं क्या जा सकता हूँ? said sudama to his wife so here are the rice snacks that krishna likes said his wife now you must go to him for some help अब यहाँ पर क्या करती है वो कुछ राइस स्नैक्स देती है कृष्णा के लिए और बोलती है ये उनको जरूर पसंद आएंगे ठीक है उनकी वाइफ और उसको देकर इस तरह से कहती है ये काफी नाउ यू मस्ट गो टू हिम और सम हेल्प और इसको देकर आप कुछ उनसे हेल्प मांग सकते हो आफ्टर लॉन्ग जर्नी सुदामा रेज द गेट्स ऑफ कृष्णा बहुत लॉन्ग जर्नी जर्नी मीन होता है बच्चे यात्रा ठीक है एक लंबी यात्रा करने के बाद सुदामा कहा पहुंचते हैं कृष्णा के पैलेस में पहुंचते हैं तो गेट पर कौन खड़ा रहता है डोरमैन खड़ा हुआ था और वो क्या बोलता है यूर किंग इज माई फ्रेंड कि जो तुम्हारा राजा है वो मेरा दोस्त है मुझे अंदर जाने दो और उनसे मिलने दो द एट हिज डर्टी टॉन एंड सेड यू सीम टू हैव लॉस्ट योर माइंड हाउ कैन ही बी योर फ्रेंड सो जो डोरमैन है उसको देखकर वो कैसा काफी गंदा दिख रहा है उसके कपड़े काफी फटे हुए हैं तो उसको देखकर क्या बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम उनको अपना फ्रेंड बोल रहे हो Sudama said, please at least pass the message that Sudama has come to see him. आज सुदामा क्या बोलता है कि कम से कम मेरा मैसेज तो उन तक पहुंचा दो कि मैं यहाँ पर आया हूँ. So the doorman agreed. When he informed Krishna, he was surprised to see that his master immediately stood up and ran to the gates. He took Sudama in his embrace and he was moved to see his dear friend in a pathetic condition. He brought him in and served him in the best way he could. He ate the rice snacks as if they were the tastiest things to eat. अब पर जो डोरमैन होता है वो एग्री कर जाता है और जाता है कृष्णा के पास उनको इन्फॉर्म करता है और जैसे ही वो इन्फॉर्म करता है तो डोरमैन देखता रह जाता है जो उनके मास्टर हैं जो कृष्णा जी हैं वो खड़े होते हैं इमिडिएटली और जल्दी से गेट की तरफ दौड़े चले जाते हैं और देखते हैं सुदामा को और उनको बाहों में ले लेते हैं उनको हक कर लेते हैं एम्बुलेंस कर लेते हैं और देखकर और सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं है ना ऐसी कंडीशन तो सुदामा भी देखते हैं कृष्णा भी देखते हैं तो कृष्णा देखते हैं उनकी हालत कैसी हो गई है है ना तो उसके लिए जितना वो अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा सर्व करते हैं उनको है न लेकर आते हैं उनकी खातिरदारी करते हैं उनको सर्व करते हैं चीजें और सुदामा क्या करता है जो राइस दिए थे उनकी वाइफ ने उसको

सुदामा जो है वो काफी है? हेजिटेट हेजिटेट ठीक है है होता बच्चे हिचकिचाना ठीक है उनको हेल्प क्योंकि उनको हेल्प मांगनी थी तो अब वो हिचकिचा रहे हैं कृष्णा से हेल्प मांगने के लिए और वहीं पर कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं कुछ दिनों के लिए देन टोकेज लीव और फिर वहां से चले जाते हैं बिना हेल्प लिए When he raised his village, he was amazed to see that a grand mansion stood in the palace of his herd. Not only this, his wife and children were dressed in the best clothes. Krishna had showered many favors on him, which he had never asked for. This was the perfect example of true friendship. तो so, वहां पर क्या करते हैं कुछ दिन रुकने के बाद पहुंचते हैं वहीं पर अपने विलेज में और देखते क्या है देखकर काफी अमेज उनको इतना हैरानी फील होती है कि वो देखते हैं कि ग्रांड मैंशन खड़ा हुआ है उनकी हट की जगह पर जहाँ पर उनकी हट थी ठीक है वहां पर अब क्या हो गया ग्रांड मैंशन खड़ा हो गया है एक बड़ा पैलेस खड़ा हो गया है जो उनकी वाइफ है उनके बच्चे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ड्रेस्ड हैं बेस्ट क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए हैं और ये क्या था ये कृष्णा ने एक शावर की थी फेवर्स की ठीक है उनके ऊपर और जो कभी भी भूली नहीं जा सकती है एक ट्रू फ्रेंडशिप को लेकर ठीक है तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरह से एक ट्रू फ्रेंडशिप को कृष्णा ने और सुदामा ने दोनों ने फुलफिल किया तो इसको पढ़ेंगे इसको रीड आउट करेंगे और से रिलेट करती हूँ बच्चे डू य